Hello students, welcome back to the lecture of first chapter electric charge and electric field. इस वीडियो सेशन में हम लर्न करेंगे अबाउट द कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज. सो इन दिस सेशन वी विल लर्न अबाउट द कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज. सो लेट अस स्टार्ट विद दैट. So, if you go through our module, in that I have given the particular questions on quantization. उसमें से basically मैंने उसमें तीन questions दिए हुए हैं. उसमें से मैं दो questions theory part में discuss करूँगा और third जो particular point है, third question का point है, वो पूरा numerical calculations के लिए. क्योंकि समझना कि इसमें से आपका ये पर्टिकुलर टॉपिक में से आपका चैप्टर का फर्स्ट फॉर्मूला आ रहा है और वो थर्ड क्वेश्चन मैंने न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को समझाने के लिए ही लिखा हुआ है. तो थर्ड क्वेश्चन हम जब कैलकुलेटिव पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल जब स्टार्ट करेंगे, तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. अभी हम ये दो पॉइंट पर मीन्स क्वांटाइजेशन का टोटल जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स है और उसको हम क्या समझना चाहते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो टू आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ द क्वांटाइजेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, मींस क्वांटाइजेशन वर्ड है क्या, पहले तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए उसका रिलेशन कैसे फाइंड किया जाता है. तो इन दैट केस मैं आपको इजी एग्जांपल के तौर पे पहले ये पूरा टॉपिक समझाना चाहूंगा, उसके बाद ये जो क्वेश्चन आंसर का पॉइंट है उसको हम रिवाइज कर देंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद दैट. तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी. तो हमने यहां पर जो फिजिकल क्वांटिटी चूज की है दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट. सो उस पॉइंट में जब हम यहां पर जाएंगे तो सबसे पहले जब क्वांटाइजेशन बोलूंगा तो याद रखना उसका मीनिंग ये सबसे पहले मैंने लिख के दे दिया है, हाउ मच मीन्स कितनी क्वांटिटी, हाउ मच वी हैव टू क्वांटिफाई. सो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ दैट इट इज ऑल्सो नोन एज क्वांटम, इट इज ऑल्सो नोन एज क्वांटम, राइट. तो उस केस में अभी हमारा डिस्कशन किस पर चल रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज पर. तो इलेक्ट्रिक चार्ज के केस में सबसे पहले आप ये बात समझ लो कि एंट्री किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए. इलेक्ट्रॉन का सिंपल अगर मैं वन इलेक्ट्रॉन कैरी करता हूं तो उसका चार्ज कितना होता है, ई दैट इज 1.6 इंटू 10^-19 कूलम. मान लो कि आपके पास एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो उसका टोटल चार्ज कितना होगा, सिंपली वी हैव टू फॉलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो ओवर हियर वी आर गोइंग टू identify quantization. So based on quantization, that is quantity, that's why it is denoted by capital Q value, that's why it is denoted by capital Q value. Isko aap cross multiply karonge, you will get the simple answer, that is Ne. So our first formula from this chapter is available over here, Q is equals to Ne. E is the charge of electron, 1.6 into 10^-19 coulomb. यहां पर जितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाएंगे उतने ही नंबर आपको यहां पर ऐड करता रहना है. नाउ उसके साथ मींस ये पूरा क्वांटाइजेशन कंसेप्ट का ये सिंपल फॉर्मूला यहां पर आ गया. फिर मैंने एक सेंटेंस यहां पर लिखा है, वो रीड करो, इंक्रीज इन चार्ज, इंक्रीज इन द चार्ज इज नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इंक्रीज इन चार्ज इज नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. तो उसका मीनिंग पहले तो समझना पड़ेगा कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज है जो इंक्रीज होता है उसका जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस नहीं है. तो क्यों नहीं है, तो उसका मीनिंग क्या है. मैं सिंपल सी चीज आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है उसका मीनिंग क्या. आप पहले ये जो कंटिन्यूअस लाइन है ना वो देखो, लीनियर लाइन, व्हाट आई एम सेइंग, राइट. मान लो कि चार्ज पहले यहां था और फिर यहां पहुंचा है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस में हम क्या देखेंगे कि ये जो लाइन है
उस पर हम हमारा फोकस जाएगा। हम ऐसा सोचेंगे कि चार्ज ऐसे लीनियर पॉइंट में कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी पोजीशन ऑब्जर्व नहीं की जाती। याद रखना, चार्ज जो इंक्रीज होता है ना, इस जैसे हम स्टेयर्स, जैसे हमारे होते हैं ना स्टेयर, वैसी पैटर्न में वो इंक्रीज हो रहा है। लुक एट ओवर हियर, राइट, स्टेयर्स जैसे होते हैं वैसी पैटर्न में वो इंक्रीज हो रहा है। सो बेसिकली उसका मीनिंग क्या है, उस पॉइंट पर भी मैं आपको डिस्कशन करना चाहूंगा। मैं उसके लिए एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सपोज टू बी एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, राइट। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में माने फ्लैट है, मान लो कि 10 फ्लोर्स आर देयर। तो पहले जो घर बनाएंगे वो फर्स्ट फ्लोर पे होंगे, फर्स्ट से सीधा सेकंड फ्लोर आएगा, उसके बाद थर्ड फ्लोर आएगा, फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा। दैट मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इंटीग्रल मल्टीपल, यहां पर इंटीग्रल मल्टीपल माने यहां पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। प्लीज कीप इन माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इलेक्ट्रॉन इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल और उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई चार्जेस गेटिंग इंक्रीज्ड स्टेप बाय स्टेप। इसके लिए चार्जेस ऑलवेज स्टेप बाय स्टेप ही इंक्रीज होंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि बॉडी को हम इतना चार्ज देते हैं, लुक एट ओवर हियर, मैंने एक वैल्यू लिखी है 2 × 10⁻¹⁹ कूलम, इज इट पॉसिबल? थिंक ओवर इट, इज इट पॉसिबल? नो, बिकॉज बेसिक बेसिक चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन का, 1.6। तो ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन आया तो चार्ज कितना हुआ, 1.6। अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो चार्ज कितना होगा, 3.2। अगर 3 इलेक्ट्रॉन की कंसिडरेशन लोगे तो 4.8। उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे हम तो उस केस में कितना होगा, 6.4। सो इट सेज दैट आपको ये जो वैल्यू मिलती है, ये पॉइंट वैल्यू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये चार्ज वैल्यू इसके अकॉर्डिंगली आपको मिलेगी। माने आप यहां से यहां जाओगे तो दैट मीन्स ये पोजीशन इंडिकेट क्या करता है, 1.6 चार्ज वैल्यू रहेगा × 10⁻¹⁹, ये वो याद रखना। ये 3.2 का लेवल है, ये 4.8 का, ये 6.4 का, मीन्स इन बिटवीन ये जो है उसमें आपको कोई इंक्रीजिंग वैल्यू चार्ज की नहीं मिलेगी। सो प्लीज कीप इन माउंड माइंड के ये अल्टीमेटली क्या है कि जैसे हम फ्लोर पे जाते हैं, मैंने थियरी में भी वो लिख के दिया हुआ है, वो आप खास पढ़ लो। ए बिल्डिंग कैन हैव अ डिफरेंट फ्लोर्स, दैट इज ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड, फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर अपवर्ड्स, बट इट कैन नॉट हैव अ फ्लोर ऑन द वैल्यू इन बिटवीन। माने ग्राउंड और फर्स्ट के बीच में, इफ आई सिंपली से ग्राउंड और फर्स्ट के बीच में कोई फ्लोर नहीं होता, फर्स्ट और सेकंड के बीच में कोई फ्लोर नहीं होता। सो इन दैट केस वी कैन से दैट ओवर हियर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए हम क्लियरली बोलते हैं, चार्जेस जो इंक्रीज होता है, इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज नॉट ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, प्लीज कीप इन माइंड। बेसिकली वो है क्या, तो अल्टीमेटली इट कैन चेंज डिसकंटिन्यूअसली टू टेक वन ऑफ ओनली ए डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज, डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज से ही वो इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर विद दिस? मैंने वो भी बोला कि जो मिनिमम अमाउंट है जिससे फिजिकल क्वांटिटी रिलेशन हमें डिफाइन करता है, डिफाइन करना है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटम, दैट इज टू बी डिफाइंड एज ऑफ क्वांटम वैल्यू। सो वंस अगेन कीप इन माइंड कि यहां जो सब हमने डिस्कशन किया, तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मीन्स कोई भी बॉडी पर आप चार्ज डिस्कशन करोगे, तो सिंपली ये बॉडी हमने यहाँ पर ले ली, आप यहाँ पर सिंपली 1 इलेक्ट्रॉन बोलोगे तो 1.6 होगा,
आप 2 इलेक्ट्रॉन बोलोगे तो सिंपली 3.2 हो जाएगा, मींस 1 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएंगे, वैसे मल्टीप्लाई 1.6 × 10⁻¹⁹ से होगा। सो इट सेज दैट कि चार्जेस ऑन अ बॉडी इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। सो क्विकली वी कैन रिवाइज दिस। उसमें पहले याद रखो क्वांटाइजेशन, तो सीधा स्ट्राइक क्या होना चाहिए, हाउ मच। फिर ये याद रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज कितना है ई, अगर एन इलेक्ट्रॉन होगे तो उसका चार्ज कितना होगा। सो टोटल क्वांटाइजेशन क्यू इज इक्वल्स टू एन ई। ई का बेस वैल्यू हमें पता है, इलेक्ट्रॉन के लिए हमने क्या बोला, इट इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, राइट। सो वो ऑलवेज यूनिट क्वांटिटी में जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल में ही जाएगा। तो उसका वैल्यू हमने यहां पर शोकेस किया, मैंने बोला कि 2 × 10⁻¹⁹, वी कैन नॉट गिव दिस मच अमाउंट ऑफ चार्ज बिकॉज यहाँ पर 2 है। अल्टीमेटली ये आपने पूरा डिस्कशन सुना, 1.6 से लेकर 6.4 तक की जर्नी, स्टेप बाय स्टेप ही चार्ज इंक्रीज होता है। सो बेसिकली इट्स अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, यहाँ पर वेरिएबल्स आपको नहीं मिलेंगे। उसके लिए हमने ये फ्लोर के एग्जाम्पल्स भी डिस्कस कर लिए। सो आई थिंक विद रिस्पेक्ट टू दैट द बेस क्वांटाइजेशन कंसेप्ट इज क्लियर। उसके बाद का जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसमें मैंने वही आपको एक्सप्लेन किया है कि जब हम इंटीग्रल मल्टीपल की यहाँ पर बात करते हैं तो सिंपली हमारा मैग्नीट्यूड फिक्स है, जैसे जैसे पार्टिकल चेंज होते जाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू सी अल्फा पार्टिकल, तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स का जो वैल्यू है वो यहां पर मल्टीप्लाई होगा। इन दैट केस बेसिक क्वांटम जब डिफाइन करेंगे वो आइदर होगा तो 1 2 3, इट कैन नॉट बी लाइक 1.5 2.5 और 3.5। क्लियर विद दिस? सो आई थिंक क्वांटाइजेशन के कंसेप्ट को हमने पूरी तरह से यहां पर डिस्कस किया है। उसके बाद आप ये पॉइंट समझना कि कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन, उसके रिलेटिव टर्म्स दो एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट पे से हमने डिराइव क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं, और एक्सपेरिमेंटली वो क्वांटाइजेशन लॉ को प्रूफ भी देता है। वन दैट एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिस्कवर्ड बाय फेराडे दैट सजेस्ट द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और याद करना जो सेकेंड है वो हमने 11th स्टैंडर्ड में भी डिस्कस किया था, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और उसके कंसेप्ट में भी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑल्सो ट्रू वैल्यू। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई हैव गॉन थ्रू द बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन विथ रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टे कनेक्टेड विथ अस। थैंक यू वेरी मच।